हो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं श्वेता वेलकम कर रही हूँ आप सबको हमारे चैनल पे। बहुत 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 स्वागत है जी। और कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज मैं सुबह से ब्लॉगिंग भी नहीं कर पाई थी। अच्छा, होली का ही है तो भी मैं मानवी को स्कूल से भी लेके आई, सुबह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, थोड़ी देर लाइव आई, लेकिन मुझे पता नहीं नींद भी नहीं पड़ती है और मन भी अजीब सा हो रहा है, थकान सा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो आज मैं तो अपना काम फिनिश करने वाली हूँ गाइस। तो चलो, पहले बच्ची आ गई स्कूल से, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दूँ, फिर उसके बाद जो हमारा काम होगा उसे आज करूँगी। अब देखती हूँ, नींद की वजह से आज मैं सोची 11 बजे से एलबी कर लेती हूँ, फिर मानवी को स्कूल से लाने के बाद थोड़ी सो जाऊँगी। लेकिन एलबी भी नहीं, अच्छे से नहीं कर पाई, आधा घंटा करके कट कर दी, और सोने के लिए भी पता नहीं सो पाती हूँ कि नहीं। तो देखती हूँ, चलो पहले बच्चे को खाना खिला लूँ, फ्री हो जाऊँ बच्चे से, क्योंकि स्कूल से आ गई है पेपर दे के, फिर उनकी कल पेपर है। अब 2 दिन और पेपर रहे, पेपर जल्दी से ख़त्म हो जाए तो मैं टेंशन फ्री हो जाऊँगी। परेशान भी तो हमारी स्कूल आज नहीं गई है रो धो के। तो देखिए आपको भी मैं दिखाती हूँ सानवी सुबह में आज कैसे कर रही थी स्कूल जाने के नाम से। थोड़ा देखिए पहले क्या नहीं जाएंगे स्कूल। देखिएगा आज सानवी नहीं जाएगी स्कूल, रो रही है। आज और चलिए आज और क्यों नहीं जा रहा? अरे प्लीज चलो ना, सब बच्चा पढ़ के आगे हो जाएगा, आपको नहीं पढ़ना है? क्या करिएगा, बकरी चराइएगा? देख लीजिएगा बकरी करिए। हाँ ना, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, हमारी सानवी बहुत अच्छी है भाई। ऐसे किसके किसके बच्चा रोंदू है भाई, बताइएगा तो थोड़ा कमेंट करिए तो जल्दी जल्दी। बच्चा स्कूल नहीं जाएगी, रो रही है बैठ के, खला दिए मन सानवी मेरा सच में। तो आप लोग देखे सानवी कैसे कर रही थी, ऐसे किसके किसके बच्चे करते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं तो परेशान हूँ सानवी से, पहले बोलती थी मैं स्कूल जाऊंगी, अब बोलती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, अब पता नहीं उसे क्या हो गया है जी। तो चलो पहले मैं मानवी को खिला देती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, आप लोग बने रहो हमारे साथ। तो आज दोपहर का टाइम है और मैं घर का कवारा बना के रखी हूँ, इधर ऊनी कपड़ा सारा बाहर करके रखी हूँ, पैक करूंगी आज। इधर गोदरेज से अपना जत्था पूजी निकाल के रखी हूँ, इधर सब मोड़ मोड़ के रख रही हूँ, क्या करूँ बैठ। आज देखो ऐसे ही हमारे काम चलती है, ये क्या बोलते हैं सामान बिटोरते बिटोरते हमारी लाइफ स्टार्ट कर दी। तो लाइफ में बात है कि अभी सामान, ये तो ठंडी का कपड़ा है, पति देव बाबा आ गए तो पैकिंग होगी, ये सब कुछ इधर से हटा ली हूँ, कुछ रखा है तो अभी मैं जाती हूँ, पति देव आ चुके हैं तो मैं थोड़ा जाती हूँ मार्केट, उनके लिए लाऊंगी कुछ। और मानवी आज दिन से बोल रही थी मम्मा मैं गुपचुप खाऊंगी, मैं बोली चलो ठीक है बेटा शाम को चलते हैं हम लोग। तो अभी जा रही हूँ, थोड़ा पैसा ले लेती हूँ और चलती हूँ मैं बच्चे लोग को लेके। चलो सबके गुपचुप खिलाती हूँ, आप लोग को भी दिखाती हूँ, बस अभी तो पैदल जाऊंगी, फिर इंसान भी तैयार हो गया, 2 मिनट का रास्ता है, रोड क्रॉसिंग में दिक्कत होता है। ठीक है जी, जा रहे हैं। ओके जी, बाय बाय। कहाँ गई दोनों बहन? भी रूम से निकली नहीं सानवी, और वहाँ फ्रेंड मिल गई तो रुक गई, आई नहीं। और मैं सानवी जा रही हूँ गुपचुप खाने, और मानवी बोली मेरे लिए पैक करा के लाना, देखो ये रुक गई अपनी फ्रेंड के साथ। मैं सानवी जा रही हूँ, यहाँ तो मोहल्ला है, सामने मार्केट है हमारी, यहीं से तो मार्केट स्टार्ट हो जाती है हमारी मोहल्ला के सामने से, यहीं से यहाँ से दिख भी रही है देखो। चलो बेटा आ जाओ, यहाँ सामने मार्केट है देखो, यहाँ से दिख रही है। हाँ हाथ पकड़ रही हूँ, और यहाँ सामने हमारी मोहल्ला है जहाँ से भी मैं आई हूँ। खाएंगे गुपचुप? मैं आप तो नहीं खाते, खाएंगे पैक कर दिए भाई, दादू के लिए भी लेना है ना सानवी, खुद खा के जाना है। गुपचुप पैक करा के मैं जाऊँगी मानवी के लिए लेके, और पति देव के लिए उधर से बोले साथ जूजा लेके आऊँगी, दुकान है। हमारा गुपचुप तो पैक हो गया, पति देव का जत्रा खराब था, उधर भूजा लेने गई दुकान वाला के पास, भूजा नहीं था यार, चाट समोसा, ये समोसा लेने आई उसका बंद है, तो फिर अंत में चाट पैक करा रहे हैं उनके लिए हम। ऐसा नहीं फूट जाएगा दाबोगी तो फूट जाएगा, हम वीडियो रास्ते पर नहीं बना पा रहे क्योंकि रोड क्रॉसिंग में शान भी है साथ में, हाथ पकड़ के चलते हैं इसका, तो उनके लिए देखो यहाँ पर फेमस चाट है। हाँ रख दो, हाँ ठीक है, देखो अधिक कड़ी भी नहीं और कड़ी, यहाँ पर उनके लिए चाट पैकिंग हो रही है, फेमस चाट इंस्टॉल लगा हुआ है। आज हो गया दिमाग खराब, मार्केट आ गया।
यहाँ पर सामने हमारी मोहल्ला है जी, समोसा का दुकान बंद है सानवी, सानवी समोसा खरीद। चलो जी पकड़ा के चलते। यहाँ सामने मार्केट है हमारी और यहाँ सामने मोहल्ला है हमारी, बस 2-3 मिनट की रास्ते हैं। चलो जी, तो यहाँ से हमारी मोहल्ला है, तो मैं 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी, आप लोग बने रहो, चलती हूँ रूम में। तो गाइस हम आ गए, सब लेके रूम में पहुँच गए। अरे सैया टूट गया गुपचुप दीवार में टकरा के मेरा। हाय मोरी मैया, 2-3 को चूर हो गया। चलो जल्दी से चलती है, सीढ़ी पे चढ़ के ही थक जाती हूँ मैं। देव का चाट लग गया, कैसा है जी, बढ़िया है। मानवी आसन जमा के बैठ गई गुपचुप खाने, ये कैसे खा रही है। हम दिन से लगे पड़े थे तो नहीं हो रही, आया कंबल वहाँ नीचे। अब हमारे पतिदेव जी आए, हम दोनों मिल के अब लगाएंगे ठिकाना सबको ठंड की कपड़े की, जनू धो धो के हम रखे। एक ही है, एक कंबल उसी में निकाले, तब हम दोनों मिलके जल्दी जल्दी सारे सीमिटेंगे बिटेरेंगे, क्योंकि रात की बज गई है, 7:15 हो गई है और हमारी फिर खाना बनाएंगे सारे साथ होने वाली है, लाइव भी आने का टाइम हो जाता है। दिन से मैं बहुत ठीक हूँ, ड्रा उड़ा सब गंदा था, सब सब सही कर दी। जाइए बैठ के खाइए, आप गिरेगा ना मानवी। तो जाते हैं हम पैक कर लेते हैं। अटेगा उसमें झोला सब खाना बड़ा बड़ा बहुत पतिदेव का फेंक रहे सबको, सब खराब हो गया, सारा अंडा खराब हो गया, जोड़ो वाला चुनना लग गया ना। इधर भी अभी ट्रे में है, कितना अपने चार आधा ट्रे अंडा था, बनाना भूल गए गाइस, देखो सारा बर्बाद हो गया, भारी नुकसान, 150 रुपए का नुकसान हो गया, 100 रुपए का नहीं हुआ। हेलो जी, कैसे हो आप सब। हमारी लाइफ पिंट करके मैं भी आई वीडियो क्लोज करने, उस समय तो देखे आप हमारी सारा अंडा खराब हो गई, क्योंकि पतिदेव कब से ला चुके थे, मैं बना नहीं पाती, बच्चे दोनों कुछ भी नहीं खाते, हम दोनों क्या क्या खाएं समझ में नहीं आता, हरी सब्जी खाऊं कि मीट मछली अंडा क्या खाऊं कुछ समझ में नहीं आता, इस चक्कर में खराब हो गया, तो थोड़ा गुस्सा गए थे मेरे ऊपर, स्वाभाविक है, 10-15 अंडे थे वो बर्बाद होंगे तो कोई भी गुस्सा आएगा भाई, और मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो खराब हो रही थी, और मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए। आज हमारी लाइव में भी एक आदमी से पंगा हो गया, पता नहीं कहाँ से कोई कोई उठ के चले आते हैं और धमकी देते हैं, अनसब्सक्राइब कर देंगे। अरे भाई अब आपकी मर्जी है ना, और कुछ लोग होते हैं उसमें पीन करने वाले, कुछ लोग वहाँ पे पीन कर रहे थे सपोर्ट करने की वजह, उसमें पीन घी में जो होता है ना आग में घी डालने का काम कर रहे थे, तो ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप मेरी फ्रेंड हो तो मेरे तरफ से सपोर्ट करो, ठीक है, न कि आप घी में आग डालने का काम करो, सॉरी आग में घी डालने का काम करो, मेरे को ही बोला जा रहा था उल्टे, आप हंस के बात करो ऐसे नहीं बात करो, अरे मुझे कोई गाली देगा कुछ उल्टा पढ़ाएगा, आपको मर्जी ना, आप अपने लाइव में चाहो तो ब्लू भर के दो चाहे ब्लैक करके दो, वो आपकी लाइव आपकी मर्जी, मेरी लाइव मेरी मर्जी, तो अब पता नहीं क्या बोलूँ मैं, कुछ नहीं बोल सकती इस चीज़ पर। तो चलो जी, आज ऐसे हमारी मूड सटक गई है, हमारी मूड अप हो गई है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो जो लोग नए हैं हमारी वीडियो पहली बार देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिए, मैं फिर आप लोगों से कल मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तो फिलहाल के लिए मैं विदा ले रही हूँ, बाय बाय जी, शुभ रात्रि सभी को, टेक केयर ऑल ऑफ यू।